है कि आप लोगों के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लादने के लिए आपको आतंकी बनाया जाएगा। मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो मेवात आज तक। दरअसल आज हम फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भादस की बात कर रहे हैं। भादस के गरल स्कूल में जनता सरकार मोर्चा की एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग भाईचारा बनाए रखने की बात की गई थी, गुंडागर्दी को ख़त्म करने की बात की गई थी, बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात की गई थी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात की गई थी और भादस के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और भादस के लोगों ने ये वादा किया कि जनता सरकार संगठन के साथ हम पूरी तरीके से साथ देंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि जनता सरकार संगठन एक ऐसा संगठन है जो देश में भाईचारा और करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। अच्छा सर, ये जो मीटिंग हुई आज भादस गांव में, ये इस मीटिंग का संदेश क्या है? आज जनता सरकार मोर्चा की ये 22वां जिला हमने कवर किया है और मेवात नूह के अंदर, नूह मेवात एरिया में नूह जिले की जिला कार्यकारिणी का गठन आज हम लोगों ने किया है। बेसिकली जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब समाज में जब रहते हैं तो एक परिवार की तरह हम लोगों को रहना चाहिए, तो ये एक जनता सरकार का एक परिवार हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये उन लोगों का संगठन है जो समझते हैं कि ये जो बेरोजगारी है, ये जो महंगाई है, ये जो बिजली का संकट है, ये जो अन्न का संकट है, जो ये नौकरियों का जाना है, दुकानदारों का बर्बाद होना है, जो ये टैक्स लगना है, नोटबंदी है और ये जो नई बीमारी है तथाकथित, और इसके नाम पे जो इलाज के नाम पे आपके शरीरों में केमिकल डाले जा रहे हैं, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये डिजिटल करेंसी का हिस्सा, डिजिटल करेंसी वगैरह जो लेके आने का जो खेल है, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, जिसका मकसद है समाज के हर आदमी को कंट्रोल करना, उसके खाने को भी कंट्रोल करना, उसके शरीर को भी कंट्रोल करना, उसकी आवाजाही को भी कंट्रोल करना, उसकी आमदनी को भी कंट्रोल करना, उसके खर्चे को भी कंट्रोल करना, उसकी सोच को भी कंट्रोल करना, ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली मकसद है। फिर वो लॉकडाउन लगाना हो, आपको जो क्लाइमेट क्राइसिस अब आएगा, जैसे क्लाइमेट लॉकडाउन आएगा, इसके नाम पे कोई षड्यंत्र चलाना हो, या फिर अभी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप बना करके, कबाड़ बना करके नई गाड़ियां बेचने वाला षड्यंत्र हो, ये सारा का सारा हिस्सा, ये चाहे खेती के कानून हो, चाहे इसके बाद किसानों का बर्बाद हिस्सा, ये चाहे खेती के कानून हो, चाहे इसके बाद किसानों का बर्बाद होना हो, या फिर नेशनल हेल्थ बिल का कानून हो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला कानून हो, डीएनए प्रोफाइलिंग वाला कानून हो, जो पुलिस वालों ने जो नया एक पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पे थानेदार को धारा 144 देने का फरमान हो, चाहे फिर वकीलों को, कोर्ट को बर्बाद करना, उनको इनकी इमेज खराब करके न्याय व्यवस्था से वंचित रखना हो, समाज के भाईचारे को खराब करना हो, चाहे जात पात के नाम पे या धर्म के नाम पे जो लड़ाई बजवाना है, और समाज के अंदर पुलिसिया तंत्र का बढ़ावा, ये सारा का सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। तो हमने लोगों को संगठित करना शुरू किया और जनता सरकार मोर्चा का गठन किया। जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट ये है, बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करना है। तो हमारा काम एक तरह से बिचौलिए का है, हम अपने संगठन में किसी को शामिल नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि आप जिस संगठन में काम कर रहे हो, उसी संगठन में अपने विजन को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि समाज का निर्माण केवल शिक्षा पे बात करने से नहीं होगा। समाज का निर्माण करने के लिए आपको अपने पशुधन पे भी बात करनी होगी, आपको गाय पे भी बात करनी होगी, आपको अपने दूसरे मुद्दों पे भी बात करनी होगी, रसोई पे भी बात करनी होगी, आपको अपनी खेती पे भी बात करनी होगी। एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा जो समाज के निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये काम जनता सरकार मोर्चा के लोग करेंगे कि आपके समाज में से जो जागे हुए युवा है, उनको चुन करके, उनको ट्रेनिंग दे करके अपने समाज को खुद से संवारने के लिए तैयार करना और अगली पीढ़ी के अंदर नए योद्धा तैयार करना, ये जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज की मीटिंग बुलाई गई थी भादस गांव की पाठशाला में, कि जात पात धर्म छोड़ करके एक चीज समझो, आपके समाज का निर्माण आप ही को करना पड़ेगा। या आपके स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे, आपके काम धंधे बंद रखेंगे, आप समुदाय के साथ मिलकर एक रास्ता तैयार करो कि आपके बच्चों के लिए सुरक्षित समाज का निर्माण हो पाए,
एक ऐसा रास्ता तैयार करो कि आप मिलके अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर पाओ, रोजगारों का इंतजाम कर पाओ। और उसके लिए अगर आपको दिशा की जरूरत है, सबसे पहले तो टेलीविजन का बहिष्कार करना शुरू कर दो, सबसे पहले अखबारों का बहिष्कार करना शुरू कर दो, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना शुरू कर दो, पैकेट में जो चीज आती है उसका बहिष्कार करना शुरू कर दो। क्या हमारा समाज इतना खराब हो गया कि प्लास्टिक के गिलासों में पानी देना पड़ेगा हमारे को? भाई साहब, आप अपने अपने जो असली धातु है उनको बचा के रखो। ये प्लास्टिक इसलिए दी जा रही है कि आपके समाज में प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाए और आपकी जमीनें बंजर हो जाएं, आपके जो पशुधन है वो इनको खाने लग जाए, जब वहां से घास में चर रही हो तो प्लास्टिक उनकी बॉडी में चले जाए। आप इसका बहिष्कार करो प्लास्टिक का जितना हो सकता है। धातु रखो अपने पास बढ़िया वाली, एल्यूमिनियम को छोड़ करके कोई भी। आप अपने दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।